जिलाध्यक्ष क्लाइव राइस ने सादगी से मनाया अपना जन्मदिन। बधाई देने वालों का लगा रहा पूरा दिन ताता। जी आपको बता दें कि मुंबई कांग्रेस पार्टी के समर्पित नेता व उत्तर पश्चिम जिला के जिलाध्यक्ष क्लाइव राइस ने अपने समर्थकों के बीच सादगी पूर्वक आज अपना जन्मदिन मनाया। उन्हें बधाई देने वालों का उनके कार्यालय पर दिन भर हुजूम उमड़ा रहा। यही नहीं, कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेताओं ने भी जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं, जिसमें महाराष्ट्र अध्यक्ष नाना भाऊ पटोले, मुंबई अध्यक्ष भाई जगताप, पूर्व सांसद संजय निरुपम, चरण सिंह प्रा, मुकेश पप्पू शर्मा के अलावा तमाम विशिष्ट लोगों ने बधाइयां दी हैं। सबसे पहले तो मेरे जो जन्मदिन के मौके पर आज जो हमारे आप जिन्हें लोग करें, लोग नहीं, मेरे परिवार के सब सदस्य हैं, कांग्रेस परिवार के सदस्य, यानी मेरे परिवार के सदस्य जैसे लोग हैं ये सब, और एक जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए हर साल इसी तरह इकट्ठा होते हैं। और यही प्यार मोहब्बत है जो हमने साथ मिलकर कमाई है लोगों से, और हम कोशिश यही करते हैं कि हम सब परिवार में बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ रहें। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा कि बहुत सारे बैनर पोस्टर लगे हुए हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, आपको व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे बहुत सारी बधाइयाँ मिल रही है, तो आपके चाहने वालों की संख्या बड़ी तादाद में है, तो वो आपके जो कांग्रेस की कमेटी है, संगठन के लोग हैं, तो किस तरह से संगठन को आप संचालित करते हैं, लोगों का जुड़ाव होता है आपके साथ, उसके बारे में? यही एक तरीका है, यही प्यार मोहब्बत है, जो लोग प्यार मोहब्बत से जब हम सामने वालों को रिस्पेक्ट देते हैं तो सामने वाला भी हमें रिस्पेक्ट देता है। और यही काम हर पॉलिटिकल फील्ड में जो नेतागण हो, पदाधिकारी हो, कार्यकर्ता हो, मैं सबसे हमेशा कहता हूँ कि प्यार मोहब्बत के साथ रहो, आपस में लड़ाई झगड़ा ना करो, क्योंकि समस्याएँ बहुत सारी है हमारे देश में, है मुंबई में, है हमारे उत्तर पश्चिम जिला में, है उन समस्याओं के साथ हमें लड़ना चाहिए, उन समस्याओं के खिलाफ कैसे हम लड़े और उस समस्या से उभरे, ये काम हमें करना बहुत ज़रूरी है, बजाय इसके कि हम आपस में लड़े और एक दूसरे पे टिका टिप्पणी करते रहे, वो करने के बजाय अच्छा काम करें और प्यार मोहब्बत के साथ लोगों के बीच। उपनगर के सबसे चर्चित जिला उत्तर पश्चिम जिला के आप जिला अध्यक्ष हैं जी, जब से आपको नैतिक जिम्मेदारी मिली आप निभा रहे हैं, और संगठन में किस प्रकार का परिवर्तन आपने देखा और किस तरह संगठन आपके साथ काम कर रहा है? संगठन बहुत ही, आज दो साल मुझे हुए जिला अध्यक्ष बने हुए, और संगठन का मुझे कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं का अच्छा सहयोग मिला है शुरू से लेकर अभी तक, और इसलिए मैं अच्छी तरीके से जिले को चला पा रहा हूँ और सबको जोड़ के चल रहा हूँ, और हमारी यही कोशिश आगे भी रहेगी कि हम सब मिलजुल के रहें और पार्टी को मजबूत करें। जी, आज अपने जन्मदिन के मौके पे आप कार्यकर्ताओं और खासकर मतदाताओं ने बड़े जोर शोर से आपके जन्मदिन को शेयर किया है, सेलिब्रेट मनाया उसको, उनको क्या आप संदेश देना चाहते हैं? कार्यकर्ताओं के मेरा यही संदेश रहेगा, जो भी अपने अपने विभाग में अपने अपने तरीके से लोगों की सेवा करते रहना चाहिए, दुख में सुख में लोगों के हमेशा जाना चाहिए, और जब लोग तकलीफ में होते हैं तो अपने अपने इलाके में अगर हमारा कार्यकर्ता, हमारा पदाधिकारी काम करेगा तो हम उस इलाके में मजबूत होते हैं, और मजबूत होने के साथ साथ वहाँ के जो लोग हैं उनका झुकाव हमारे कार्यकर्ताओं की तरफ होता है, कार्यकर्ताओं की तरफ झुकाव होने ने हमारी पार्टी की तरफ लोग झुकते हैं, और चुनाव में उसको मतदान के रूप में हमें वो प्राप्त होता है, उसी से हमारी ताकत बढ़ती है। आगामी आने वाले मनपा चुनाव में किस तरह कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता आप देना चाहते हैं? प्राथमिकता जो कार्यकर्ता अपने इलाके में काम करेगा, जो अपने इलाके में बहुत ही लोकप्रिय होगा, जहां पर लोग उन्हें, वहां के लोग मतदाता जिस कार्यकर्ता को चाहते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसे कार्यकर्ताओं को वहां पर टिकट मिले और वो चुनाव जीतने की कोशिश करें, और संगठन भी उनके साथ खड़ा रहे। महिला और यूथ कांग्रेस किस तरह से समन्वय बेसिक से बना के चल रही है? कम से कम हमारे ज़िले में महिला कांग्रेस है, यूथ कांग्रेस, सेवा दल, NSUI है, स्लम सेलो, हम सभी जितने सेल है सब मिलके काम कर रहे हैं। इस ज़िले में आपको कहीं शिकायत नहीं मिलेगी, आप हमारे किसी प्रोग्राम में आएंगे देखेंगे तो उस प्रोग्राम में कभी ऐसा होता नहीं कि बेसिक कांग्रेस का प्रोग्राम है तो बेसिक के लोग हैं, वहाँ पर महिला, सेवा दल, यूथ कांग्रेस बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं,
और शायद इसीलिए हमारा जिला सबसे मजबूत चल रहा है। जी, प्रदेश के बड़े नेताओं द्वारा किस तरह से उत्तर पश्चिम जिला को सहयोग किया जा रहा है, खास करके आपको, आप जिला अध्यक्ष हो, उनके उस संदर्भ में आप क्या बोलना चाहेंगे? हमारे प्रदेश के नेता हो या हमारे जिले के नेता हो, सभी नेताओं का मुझे हमेशा सहयोग रहा है। कुछ भी कार्यक्रम करना हो, फिर मोर्चे आंदोलन हो, हमारा शिविर हो, या कार्यकर्ताओं को हमें क्या प्रशिक्षण देना है, हर कार्यक्रम में मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे नेताओं को। मुंबई स्तर से लेकर जिला के जितने नेता हैं सब कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं, और कार्यक्रम, जो भी कार्यक्रम हमने लिया, उस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारे कार्यकर्ताओं के साथ साथ हमारे नेताओं का भी बहुत योगदान है। जी, आखिरी सवाल, जिले में विगत दो वर्षों से कार्यक्रम और बैठकों का दौर चल रहा है जी, आपके नेतृत्व में आगे क्या, किस तरह की बड़ी बैठक, बड़ा आयोजन होने की कुछ संभावनाएं हैं? जी, अभी संगठन की मजबूती के लिए हमने जो काम किया और कार्यकर्ता जितने ऊर्जावान हो चुके हैं यहाँ पर, उसका, उसकी गवाह ये है कि भाई जगताप जी भी मुंबई अध्यक्ष सबसे ज़्यादा हमारे ज़िले में आके गए हैं, हमारे ज़िले में कार्यक्रम होते हैं, और आने वाले दिनों में भी अब ये दौर ऐसे ही चलते रहेगा। चुनाव जैसे जैसे करीब आएगा, हमारे शिविर होंगे, प्रशिक्षण शिविर भी होगा, कार्यकर्ताओं को हम ट्रेनिंग देंगे कैसे काम करना है, लोगों के बीच कैसे जाना है, ये सब योजनाएँ बनती जा रही। अभी गणेश उत्सव के बाद ये हमारा काम और भी ज़ोरदार शुरू हो जाए।